ओ भाई साहब, मतलब क्या बवाल चीज दिखा दिया यार। इंडियन मूवीज के इतिहास का आज तक का सबसे उम्दा, सबसे चुम्बेश्वरी ट्रेलर था पुष्पा 2 का। इससे पहले मुझे एनिमल का ही ट्रेलर अच्छा लगा था, और पहले तो मुझे लग रहा था कि अल्लू अर्जुन ने 330 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं ले लिए। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरे ये अकल आई कि भाई जो एक्टिंग कर रहा होता है उसे ही तो पता होता है कि मूवी की औकात कितनी है। और इसके हिसाब से 330 करोड़, क्या 370 करोड़ भी ठीक थे। और अगर बात की जाए ट्रेलर की, तो एनिमल के बीजीएम के बाद मुझे सिर्फ पुष्पा 2 का बीजीएम ही ऐसा बीजीएम लगा जो मेरे कानों की चौखट पर सुंदर फूल बरसा रहा था। काला लूप पे लगा के ट्रेलर देख रहा था मैं। ट्रेलर के इस सीन में तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चीज है, किस चीज का पहाड़ है। लेकिन जब ये सीन पे पहुंचा ना, तब जाके मुझे पता लगा बीसी चंदन की लकड़ी का ही पहाड़ बना दिया है। इतना ही नहीं, जैसे विमल पान मसाला पूरी दिल्ली की गलियों में फैला रहता है ना, ठीक वैसे ही पूरे ट्रेलर में चंदन की लकड़ियां फैली पड़ी थी। इसकी चाची का चाचा मारू क्या नहीं किया पुष्पा ने। इसमें कभी हेलीकॉप्टर से एंट्री ले रहा है, कभी शिप में कूदी मार रहा है, कभी जंगल में जेसीबी भी करतब दिखा रहा है। मतलब डायरेक्टर ने जंगल, आसमान, समुन्दर, जापान सब जगह घुमा दिया। इसके बाद आता है विलन फहाद फाजिल भाई। इसके आते ही मेरा ध्यान पुष्पा से हटकर इस पे चला गया। पता नहीं 8 करोड़ क्यों चार्ज किए इन्होंने। अक्सर पॉपुलर मूवी के डायलॉग उसके दूसरे पार्ट में चेंज करके यूज किया जाता है, जो खराब ही होते हैं। लेकिन मेकर्स ने इस डायलॉग को तो अमर कर दिया, फायर नहीं वाइल्ड फायर बना दिया। अब पुष्पा की पुष्पी की बात तो मैं नहीं कर रहा। खैर, आपको चंदन की लकड़ी की कसम, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।